तो आपको क्यों चिन्हे और दूसरे को क्यों नकारे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या खास कारण है? देखिए, मैं चंदौली का बेटा हूँ और लाला हूँ और ये जो आपके विधायक हैं चारगाह, इन्होंने चंदौली जिले को चारगाह बनाने का काम किया। बाहर से आके लोग लड़ने का काम करते हैं, जिस पे धनबल हो बाहुबल हो वो आके चंदौली जिले में आके चंदौली जिले को चारगाह बनाने का काम करता है। इसीलिए इस बार जनता इन लोगों को नकारने का काम करेगी और अपने बेटे को चुनने का काम करेगी। विधायक का काम सुशील सिंह का 5 साल का है, इनसे कौन खुश है कौन नाराज है? विधायक जी से कोई खुश नहीं है। विधायक का काम यही है कि किसानों का धान मिल में गिरिए, अंगूठा लगवाइए और अपना पैसा उनके खाते में पहुंचेगा, दलाली सब मिल वाले खाएंगे। बड़ा षड्यंत्र है इसमें, एक से एक षड्यंत्र है। चाहे रोड बने नहीं और वहाँ उद्घाटन के बोर्ड लग गए, कई गाँव के ऐसे रोड हैं, नारा देते हैं लोग कि गड्ढा मुक्त। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कई सड़कें ऐसी हैं जिन पे बोर्ड लग चुके हैं और रोड अभी बनी नहीं है। एक नारा इनका, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका हो, इसको कैसे देखते हैं, कुछ दिखता है आपको? सिर्फ एक का विकास, सैयद राजा के विधायक का विकास। उनके बारे में चर्चा है कि कब्जा बहुत करते हैं। हाँ, उनका सैयद राजा का जो कार्यालय वही कब्जे में है और ऐसे तमाम भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी हमारे विधायक काम करते हैं। भाई बाहुबली हैं, धनबली हैं, तो क्या यही काम ही है इन लोगों के? अच्छा, एक आरोप लगा रहे हैं लोग, अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपके सुशील सिंह से क्लोज कनेक्शन है और ये कह रहे हैं कि सुशील सिंह ही लड़ा रहे हैं आपको। ये तो लोग बहुत कुछ कहेंगे और इन लोगों को पता है कि अगर इन्हें कोई हरा सकता है तो बसपा हरा सकती है, बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। इसलिए ये लोग बहुत कुछ बदनाम करने का भी काम करेंगे और इन लोगों को जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा कि कौन किसको लड़ा रहा है, कौन किसको लड़ा रहा है। चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो कुछ सोचा होगा, कुछ सैयद राजा के लिए सपना होगा, क्या वो 4-5 गांव में जो करना चाहिए? देखिए, सैयद राजा के अंदर इतना बड़ी हमारी विधानसभा और पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं भी एक स्टेडियम नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कहीं भी कोई स्टेडियम नहीं बनाया इन लोगों ने। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ नहीं है, कई तरह की तमाम जो नहरों का पानी का सिंचाई का और ये मंडियों में जो बंद हुआ पड़ा, कई ऐसी कई समस्याएं हैं जो किसान हमारे परेशान रहते हैं और इस तरीके की सभी समस्याओं को, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे और अपने युवा भाइयों के लिए स्टेडियम बनाने का भी काम सबसे पहले करेंगे। बाकी वोटरों का रुझान, आप लगभग 1 महीने से अधिक समय हो गया जनसंपर्क करते हैं, तो किस बिरादरी या कहां आप ये मान रहे हैं कि आप मजबूत हैं और कहां अच्छे से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं? हमें सभी 36 बिरादरियों का समर्थन है, हमारे साथ सभी लोग हैं और सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हम जिस गांव में जाते हैं हमें आशीर्वाद की बौछार होती है और इन लोगों को बैठने के लिए कुर्सी की दरकार होती है। अमित जी, एक और भी चीज़ें जो उड़ाई जाती हैं, वो कहते हैं मेरे साथ क्षत्रिय वोट है, वो कहते हैं मेरे साथ यादव वोट है, वो कहते हैं मेरे साथ मुसलमान वोट है, ये जाति के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करके जो ये राजनीति है, इससे भी लड़ाई आपको लड़नी है, तो आपकी क्या प्लानिंग है? दोनों लोग एक एक जात का दावा करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ 36 बिरादरी हैं, ये तो एक एक जात की बात करते हैं। एक जात कहते हैं कि मेरे साथ क्षत्रिय वोट है, कहते हैं मेरे साथ यादव वोट है, जब मैं तो खुद यादव हूँ। दादा, समाजवादी पार्टी छोड़कर आपके साथ जाएंगे? मैं तो 36 जात की बात कर रहा हूँ, मैं एक जात की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा मेरे साथ 36 जातियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, सैयद राजा में जितनी भी जाति हैं सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं।